हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको जैसे पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम आजकल काफी कठिन हो गया है, और जैसे हमने अभी देखा भी कि कट ऑफ काफी ऊपर चला गया था लास्ट जो प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो प्रीलिम्स के लिए खूब मेहनत करनी है और थोड़ा भी हमें रिस्क नहीं लेना है। लेट्स नॉट लीव एनीथिंग टू एनी चांस, और जितनी हो सके उतनी मेहनत करेंगे। तो इसी कारण से हमने सोचा कि क्यों ना जो कुछ भी हम करते आ रहे हैं उसमें थोड़ा कुछ और वैल्यू एडिशन किया जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बट कुछ सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन हो जाए, तो इससे आपकी तैयारी और अच्छी होती रहे। क्यों प्रीलिम्स की तैयारी हम अंत में 3 महीने के लिए छोड़े? इस सोच से गाइडेड होकर के हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने का सोचा है। देखते हैं कितना चलता, कैसा होता है, कैसा रिस्पॉन्स आता है, मतलब कितना आप पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली आपके ऊपर है। हम लोग तो करते ही रहते हैं अपना काम, और हम लोग तो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते ही हैं। आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और मोटिवेटेड होकर के काम करते रहना बहुत जरूरी है। तो इसी सोच से गाइडेड होकर के एक नया प्रोग्राम हम लॉन्च करने का सोच रहे हैं। ऐसे यूट्यूब पे जैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है वैसे ही कि डेली बेसिस पे क्यों ना कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए जाए। और ये आइडिया ओरिजिनली मेरे दिमाग में तो नहीं आया, बट मेरे नए कलीग अभिषेक सर, अभी उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने ये बात मुझसे बोली कि क्यों ना सर कुछ डेली एमसीक्यूज करवाए जाए बच्चों को, अलग अलग टॉपिक से पहले बता दिया जाए कि कल आप ये पढ़ना और उस पर मैं एमसीक्यूज कराऊंगा कुछ, जिससे स्टूडेंट्स की रोज प्रैक्टिस होती रहेगी। तो जब तक प्रीलिम्स आएगा 6 महीने बाद, तब तक उनकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो मुझे प्लान अच्छा लगा, मैंने कहा अभिषेक जी कीजिए। अभिषेक सर पूरा प्लान भी लेकर के आए, देखते हैं कैसा चलता है। तो पूरा प्लान कैसा है इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभिषेक सर खुद आकर के थोड़ा सा इसमें और इलाबोरेटेड तरीके से बताएं। सर प्लीज। तो थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है STMIS Academy की इस चैनल में। एज यू ऑल नो सर, हर साल प्रीलिम्स टफ होते जा रहा है। वी हैव सीन दैट इस बार जो क्वेश्चंस आया है, इनफैक्ट इट वाज वेरी इन डेप्थ क्वेश्चन। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो रहा है, देयर वाज नॉलेज टेस्टिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज द करंट देखिए, अफेयर्स। क्वेश्चन तो टफ है ही, लेकिन उससे ज्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग था जिस तरीके से कट ऑफ ऊपर गया है। बिल्कुल सर, तो कठिन प्रश्नों के बावजूद भी स्कोर करना होगा। दैट इज अ मैंडेट। तो इस मैंडेट को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स दिखाना चाहूंगा, इन विच यू कैन सी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग 70,000 के करीब होता है। 67,000 वॉज द एग्जैक्ट नंबर। एंड सबसे बड़ी जो आपका एलिमिनेशन होता है वो प्रीलिम्स टू मेन स्टेज में होता है। मेंस ओनली अराउंड 2,800 पीपल विल बी राइटिंग। पर इस स्टेज में हम लोग को बहुत ज्यादा टैक्टिकली चलना पड़ेगा इफ वी रियली वांट टू क्रैक द प्रीलिम्स। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिजेक्शन तो यही हो रहा है। रिजेक्शन स्टेज है सर, ये एलिमिनेशन स्टेज है। ये सिलेक्शन नहीं, ये रिजेक्शन रिजेक्शन स्टेज है, बिल्कुल और लोहा दिल तोड़ देता है। बिल्कुल सर, और बहुत खराब लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट टूट जाता है कहीं ना कहीं, राइट। सो दिस थिंग रिक्वायर्स सम इनडेप्थ एनालिसिस, जो कि हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं कि क्यों पेपर ऐसा आ रहा है, किस तरीके से हम इस पेपर को डिमिस्टिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ के आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर द चैलेंजेस इन द प्रीलिम्स स्टेज। तो प्रीलिम्स स्टेज में सबसे बड़ी चैलेंज रिसोर्सेस का आता है, जो काफी हद तक मुझे लगता है एसपीएम ने सॉल्व कर भी दिया है, राइट। एसपीएम प्रोवाइड द बेस्ट रिसोर्सेस, एंड मुझे लगता है कि उस रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करके पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज है सर। हम लोग प्रोवाइड तो कर देते हैं, बट कितने शिद्दत से लोग करते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। उसी के लिए आपका प्लान मुझे अच्छा इसलिए लगा अभिषेक सर, क्योंकि अभी देखिए स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करना, इतने साल इनको स्टूडेंट से डे इन डे आउट डील करने के बाद ये पूरे रिगरस तरीके से काम करें, इवन व्हेन देयर इज नो फन, बिल्कुल सर, इट हैज बिकम और इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट। रिडंडेंट भी हो तो जाता है, रिपीटेटिव भी हो जाता है। हम लोग तो कर पा रहे हैं, बट स्टूडेंट से मैं जो उम्मीद करता हूँ कि करो करो। तो आपका प्लान मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यूट्यूब पे आएंगे, मान लीजिए क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा अलग अलग आइडियाज देंगे। तो रिसोर्सेज होने के बावजूद भी क्या आप उतना रिगरस हैं? नहीं है तो थोड़ा बहुत हम अपने तरफ से पुश दे देंगे, और इस कारण से मुझे लगता है कि आपका प्लान काफी हेल्पफुल और एक रहेगा। और चीज है इसमें सर, मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे रिसोर्स भी उसमें से रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, जैसे लक्ष्मीकांत भी हो गया, इट्स अ स्टैंडर्ड रिसोर्स, बट क्या पूरा लक्ष्मीकांत जरूरी है सर, आप बताइए। बिल्कुल नहीं, और क्या हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि सारा डाउनलोड कर लिया अब हो गया लक्ष्मीकांत, हम सर्च करेंगे और कर देंगे।
और चैट जीपीटी फेल हो रहा है प्रीलिम्स में, तो यू विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस आल्सो. हम तो फिर भी इंसान हैं, राइट. तो कॉन्सेप्ट्स एंड रिसोर्सेज गोज हैंड इन हैंड. इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है. पीवाईक्यूज को लाएंगे इस सीरीज में सर. पीवाईक्यूज के माध्यम से समझेंगे एग्जैक्टली क्या डिमांड हो रखा है, स्टैटिक से आ रहा है, कहां से आ रहा है. प्रैक्टिस बिकम्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप सबको पता है. इस सेइंग को हम लोग प्रूव करके रखेंगे इस सीरीज में. एंड ऑफकोर्स प्रैक्टिस के बाद कैसे रिवीजन करना है उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम लोग लाइट शेड करेंगे, राइट. तो सर आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं और क्या मिसिंग है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स में. प्रोबेबली यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू से. देखिए मुझे लगता नहीं है कि जो हम डिलीवर कर रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग है, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा आपको धक्का भी देना होगा, मोमेंटम भी देना होगा, पुश भी करना होगा. जो चाहिए वो हम दे रहे हैं. कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको पूरी तरीके से दिया जा रहा है फाउंडेशन क्लास में. हर एक क्लास आपको हर एक टॉपिक आराम आराम से पढ़ाया जाता है. करंट अफेयर्स डेली रिगरस तरीके से चल ही रहा है, न्यूज़पेपर एनालिसिस. और मैंने सैटरडे को रिविजन सेशन भी शुरू कर दिया है. लेकिन इन सारी चीजों को मैं कहता हूं एग्जाम इज ऑल अबाउट पुटिंग योर नॉलेज इन एक्शन. नॉलेज कितना है आपके पास, वो कहाँ मायने रखता है? मायने रखता है कि उन दो घंटों में आपने कितना वहां प्रेजेंट किया उस नॉलेज को, कितना उसको एक्शन में ला पाए. तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा एक्शन रोज जरूरी है. अलग अलग परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास, मतलब एक सेइंग भी है सर, इफ आई हैव 24 आवर्स टू प्रिपेयर फॉर वॉर, 22 आवर्स आई विल शार्पन माई एक्स. दो घंटे में मैं लड़ाई जीत जाऊंगा. तो वो शार्पनिंग जो है एक्स का बहुत जरूरी होता है आपके पूरी तैयारी. तो सर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा एग्जैक्टली. बच्चों को समझ तो आ रहा है कि कुछ प्रैक्टिस जैसा हम लोग करने वाले हैं, बट एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं थोड़ा सा मैं सर समझाना चाहूंगा बच्चों को कि एग्जैक्टली व्हाट यू विल बी गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, राइट. तो इसमें देखिए प्रीलिम्स जो है इट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ एमसीक्यू एंड इसमें दो प्रकार के बच्चे होंगे. The first will be a fresher candidate and the second would be a repeater, है ना. We'll all agree कि repeaters भी होते हैं इस examination में, freshers भी होते हैं. अब freshers का अलग problem statement होता है, repeaters का अलग problem statement होता है. Freshers fight with understanding the demand of the exam. उनको ये तो पता है कि लक्ष्मीकांत खरीदना है, इंटरनेट ने इतना provide तो कर दिया है, but लक्ष्मीकांत में कौन सा line important है, कौन सा judgment important है वो नहीं पता है. आप डर जाते हो, इतना मोटा किताब जो दिखता है इतना कठिन है नहीं एक्चुअली. रिपीटर्स का अलग प्रॉब्लम है. रिपीटर्स प्रोबेबली एक दो बार सिलेबस तो पढ़ चुके हैं, सारी क्लासेस देख चुके हैं, बट उनके पास क्लासेस इतने होते हैं, करंट अफेयर्स होता है, नई किताबें होती है, तो उन चीजों को एक कंबाइंड तरीके से कोहरेंट वे मीनिंग बनाना मुश्किल होता है. दैट इज वेयर प्रैक्टिस विल कम इन. एंड अलग एक प्रॉब्लम होता है चेंजिंग नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन. इनका एक और प्रॉब्लम मैं बताऊं, बोर्डम. बोर्डम ये भी है कि एक साल का पूरा साइकिल रहता है, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और लास्ट में बता दिया जाता है कि टाटा बाय बाय, जीरो से स्टार्ट करो. वो जो रिस्टार्ट वाला मूवी भी चल रहा है आजकल, ठीक है. तो बट रिस्टार्ट सही नेचर में इतना आसान होता भी नहीं है, क्योंकि वी आर इन ऑल दैट एज ग्रुप जिसमें हमको अर्न भी करना पड़ता है. अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं. तो कहीं ना कहीं बोर्डम, रिपीटेटिव नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड चेंजिंग नेचर, हर साल कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट होता है. तो इन सभी चीजों को अगर हम लोग दोनों ही कैंडिडेट्स को केटर करने चाहेंगे, परफेक्ट प्रीलिम्स बिकम्स अ परफेक्ट पैकेज. इफ नॉट परफेक्ट, एटलीस्ट वी कैन ईज योर प्रिपरेशन फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. कैसे ईज करेंगे भाई? सबसे पहले मैं पीवाईक्यूज को लाऊंगा इस सीरीज में. इट विल नॉट बी क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ हम लोग टेलर मेड क्वेश्चंस को जो प्रोवाइड करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट विल आल्सो प्रोवाइड यू सम पीवाईक्यूज टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर की यूपीएससी एपीएससी पूछ कहां से रहा है. आई विल शो यू द एग्जैक्ट सोर्सेस एज वेल. उसके साथ साथ रिपीटर्स को बेनिफिट ये मिलेगा, कंटिन्यूटी जो सर ने कहा है, बोर्डम. तो फिर से वही किताब खोल के पढ़ना प्रोबेबली इतना हम लोग को रिटेंशन भी नहीं देता और छूट जाता है. बट वही चीज अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ा दे कुछ इंटरेस्टिंग भी रहता है, तो ये लाइव सेशन करेंगे. And this is specially for all the repeaters. कि live जाएंगे इस चैनल में, हम लोग live जाएंगे आपके साथ, and आपकी answers में wait करूंगा, 30 seconds दूंगा हर एक question के लिए,
and I'll be waiting for your answers and I'll also explain the answers then and there. तो ये कुछ प्रोग्राम है, आप लोग बताइएगा विल दिस बी हेल्पफुल, कमेंट सेक्शन में शायद सर बता पाएंगे बच्चे भी बिल्कुल कि कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम एंड विल दिस बी हेल्पफुल टू यू इन एनी मैनर. इफ इट इज देन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, जिसकी हम लोग शेड्यूल सी चैनल में कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा आपको बता देंगे. तो देखिए कोई भी प्रोसेस पहले दिन उसको रिजिड नहीं करना चाहिए, फिक्स नहीं करना चाहिए. तो प्लान तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अभी अच्छा लग रहा होगा. बट जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे थोड़े बहुत नए इनपुट्स के साथ उसमें चेंजेस भी करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक इट बेनिफिशियल सेशन फॉर यू, कि 6 महीने में आपको वाकई तौर पर इससे भी थोड़ा फ़ायदा हो. डेली 15-20 मिनट मान लीजिए अभिषेक सर आते हैं और आपसे 10 सवाल करवा देते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन ये है इसका आंसर ये है, उसके पीछे के कुछ आइडियाज बता देते हैं. और आइडियाज कुछ नए नहीं होंगे, जो क्लास में आप सीख चुके हैं वही है, बस उनका एप्लीकेशन. तो पुरानी चीजें जो दिमाग में जंग लग गई हैं डेली कुछ रिवाइज होगा. और मुझे सबसे ज्यादा चिंता होती है इनकी, मैं सुबह शाम ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मेरा मन नहीं कर रहा बुक ओपन करने का. और ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं समझता नहीं, तो कोई बात नहीं, बुक ओपन करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा धक्का हम दे देते हैं. देखिए ओपन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा पुश हम कर देते हैं और आप शुरू करो ये प्रोग्राम. और लाइव जाएंगे, अभिषेक सर ही लीड करेंगे वैसे तो इस प्रोग्राम को, और लाइव जाएंगे, आपसे क्वेश्चन करवाएंगे, आप वहां पे जवाब देना, 15-20 मिनट डेली इस तरह की प्रैक्टिस होगी. और आगे जैसे जैसे थोड़े बहुत अगर बदलाव करने होंगे फॉर योर ओन बेनिफिट हम लोग कर देंगे. बट याद रखिए हम लोग कितनी भी कोशिश करें हम लोग बस धक्का ही दे सकते हैं, और कार को धक्का मार मार के आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकते. ये बात जानते हो ना, कितनी दफा मैंने क्लास में कहा है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन में मेरा कोई बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं, लेकिन हाँ वो भी कभी कभार जरूरी होता है कि धक्का मारा और गाड़ी स्टार्ट हो गई. यही उम्मीद है कि धक्का मारा गाड़ी स्टार्ट हो गई आपकी और आप खुद ही चलाओ, तो थोड़े टाइम बाद आपको वापस से रन करना होगा. क्योंकि इस बार जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है बच्चे बिल्कुल कुछ निराश हो गए, कट ऑफ काफी ऊपर गया है, निराश हो गए, उनको तो धक्का देना होगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन थोड़ा वापस से अपने फ्यूल को स्टार्ट कीजिए, अपने इंजन को स्टार्ट कीजिए, फ्यूल को गर्म कीजिए, और हम लोग जितना हो सके उतना आपको सपोर्ट तो कर ही रहे हैं. बट योर ओन डिसिप्लिन, योर ओन कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू बी द की एंड द एंड. राइट सर, सो दैट्स इट, विल वाइंड अप हियर. योर डिसिप्लिन विल डिटरमाइन योर सक्सेस. इन दिस वर्ड्स आई लाइक टू वाइंड अप द सेशन. थैंक यू सत्यजीत सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू अभिषेक सर, एंड लेट अस वाइंड अप. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.